नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है हफ्ते में दो दिन चलती है मैसूर कर्नाटका से जयपुर जंक्शन राजस्थान के बीच में। आगे वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 129/75, 43 घंटे 45 मिनट में ये ट्रेन जो है मैसूर से जयपुर की दूरी जो है कवर करती है। इसके जो मुख्य स्टेशन्स हैं वो है काचेगुड़ा, बलहरशाह, नागपुर, भोपाल, कोटा होते हुए ये जयपुर जंक्शन राजस्थान में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। आगे हम बात करेंगे मैसूर जयपुर एक्सप्रेस के डिटेल्स के बारे में। ये जो ट्रेन है 43 घंटे 45 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 42 स्टेशन्स हैं मैसूर जंक्शन कर्नाटका से जयपुर जंक्शन राजस्थान तक, और ये 2464 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 57 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा और इसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको इस ट्रेन का टिकट किराया बताऊंगा वो मैसूरू जंक्शन से जयपुर जंक्शन तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। मैसूर जयपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी का कोच है। फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है 5535 रुपये, जिसमें 5136 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज जो है 75 रुपये है, टोटल GST चार्ज जो है वो 264 रुपये है, टोटल चार्जेस जो इसके बनते हैं वो है 5535 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं। सेकंड एसी का जो टोटल किराया है वो है 3195 रुपये, जिसमें 2948 रुपये तो बेस फेयर हैं, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है और टोटल GST चार्ज जो है वो 152 रुपये के करीब है। इसलिए इसका टोटल किराया जो है 3195 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में 5 कोचेज जो है थर्ड एसी के हैं। थर्ड एसी का जो किराया है मैसूर से जयपुर जंक्शन तक का वो है 2165 रुपये, जिसमें 1977 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज जो है वो 103 रुपये है। टोटल इसका 2165 रुपये जो है किराया बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास के कोच का जो किराया है वो है 825 रुपये, जिसमें 775 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये है और टोटल किराया इसका 825 रुपये बनता है। इसमें कोई GST चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है तकरीबन 4 जनरल अनरिजर्व डिब्बे हैं, जिसका मैसूर से जयपुर जंक्शन तक का जो टोटल किराया वो है 480 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको सभी कोचेस का किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पेंट्री कार के कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में पहले से इंक्लूडेड नहीं होते, आपको जो है डायरेक्टली ट्रेन के अंदर ही जो है ये फूड के चार्जेस जो है पे करके आप फूड जो है ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 129/75। ये जो ट्रेन है मैसूर जंक्शन कर्नाटका से हर बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 10:40 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं। मैसूर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MYS। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन कर्नाटका के मांड्या स्टेशन में पहुँचती है, जिसका स्टेशन कोड है MYA। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 11:23 पर पहुँचती है और 11:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 44 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मांड्या स्टेशन का स्टेशन कोड है MYA और इसके बाद ये ट्रेन जो है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन में पहुँचती है 12:55 पे और 1 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 138 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बेंगलुरु कैंट बेंगलोर कर्नाटका में 1:10 पे पहुँचती है और 1:12 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 142 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BNC। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन हिंदूपुर आंध्र प्रदेश में पहुँचती है
दोपहर के 3 बजे के करीब और 3 बजे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है यहाँ पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है धर्मावरम जंक्शन में पहुँचती है शाम के 4:45 पे और 4:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। मैसूर से धर्मावरम जंक्शन की जो दूरी है 327 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है DMM। इसके बाद ये ट्रेन जो है अनंतापुर आंध्र प्रदेश में पहुँचती है शाम के 5:24 पे और 5:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 362 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अनंतापुर के बाद ये ट्रेन जो है गुंटकल जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:05 पे और 7:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है और इंजन चेंज भी होता है, इलेक्ट्रिक इंजन से डीजल इंजन लगता है। धोने जंक्शन आंध्र प्रदेश में ये ट्रेन जो है रात के 8:30 पे पहुंचती है और 8:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 498 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है DHNE। इसके बाद कर्नूल सिटी या आंध्र प्रदेश में ये ट्रेन जो है रात के 9:33 पे पहुंचती है और 9:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गढ़वाल जंक्शन में पहुंचती है रात के 10:44 पे और 10:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गढ़वाल जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है महबूब नगर तेलंगाना में रात के 11:53 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झटचेरला स्टेशन में पहुंचती है जिसका स्टेशन कोड है JCL। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 12:09 पे पहुंचती है और 12:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 700 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। झटचेरला के बाद ये ट्रेन जो है काचेगुड़ा तेलंगाना में रात के 2 बजे पहुँचती है और 2:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इसका इंजन चेंज होता है। काचेगुड़ा के बाद ये ट्रेन जो है काजीपेट जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:20 पे और 4:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मंचरियाल स्टेशन में पहुंचती है तेलंगाना में। ये ट्रेन मंचरियाल तेलंगाना में ये सुबह 5:34 पे पहुंचती है और 5:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1034 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बेलमपली तेलंगाना में पहुंचती है सुबह 5:54 पे और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। श्रीपुर कागज नगर में ट्रेन जो है सुबह 6:24 पे पहुंचती है और 6:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र के बलहरशाह जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 7:50 पे पहुंचती है और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 8:09 पे पहुंचती है और 8:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। हिगन घाट में मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है हिगन घाट में सुबह 9:23 पे पहुंचती है और 9:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो सेवाग्राम जंक्शन में सुबह 10 बजे के करीब पहुंचती है और 10 बजे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1295 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SEGM। इसके बाद मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो नागपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:10 पे और 11:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पंदूरना स्टेशन में दोपहर के 12:37 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद 12:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अपने 25वें स्टेशन बैतूल मध्य प्रदेश में ये दोपहर के 2:04 पे पहुंचती है और 2:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1474 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन इटारसी जंक्शन में दोपहर के 3:55 पे पहुंचती है और 3:00
चार बजे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये शाम के 4:18 पे पहुंचती है और 4:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1685 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हबीबगंज भोपाल में पहुंचती है। हबीबगंज भोपाल में शाम के 5:23 पे पहुंचती है और 5:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। भोपाल जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 5:50 पे पहुंचती है और 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये पंचवली फास्ट पैसेंजर ट्रेन के साथ क्रॉसिंग करती है। बैरागढ़ मध्य प्रदेश में शाम के 6:31 पे पहुंचती है और 6:33 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1770 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने 31वें स्टेशन पे सीहोर में यह ट्रेन जो है शाम के 6:57 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1798 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सीहोर स्टेशन का स्टेशन कोड है SEH। इसके बाद ये ट्रेन जो है मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो बेरछा स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:13 पे और 8:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। बेरछा के बाद ये ट्रेन जो है उज्जैन जंक्शन मध्य प्रदेश में रात के 9:35 पे पहुँचती है और 9:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। नगदा जंक्शन मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 10:45 पे पहुँचती है और 11:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है रिवर्स होती है। इसके बाद विक्रमगढ़ अलोट में रात के 11:37 पे पहुँचती है और 1 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। शामगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर रात के 12:14 पे पहुँचती है और 12:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद भिवानी मंडी राजस्थान में ट्रेन जो है रात के 12:38 पे पहुँचती है और 1 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2123 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। भिवानी मंडी के बाद ये ट्रेन जो है कोटा जंक्शन राजस्थान में रात के 1:50 पे पहुँचती है और 2 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ पर ये अजमेर सत्रागाछी वीकली एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। कोटा जंक्शन का स्टेशन कोड है कोटा KOTA। इसके बाद ये ट्रेन जो है सवाई माधोपुर जंक्शन राजस्थान में रात के 3:40 पे पहुंचती है और 3:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और यहां पर इसका इंजन रिवर्स भी होता है और इंजन चेंज भी होता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन दुर्गापुरा राजस्थान में सुबह 5:42 पे पहुंचती है और 5:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। श्री गंगानगर कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ यहां पर इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद मैसूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन जयपुर जंक्शन राजस्थान में सुबह 6:15 पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 2464 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहां अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोस बनाओ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखते रहें। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।